जालंधर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश बीजेपी ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया। एक तरफ जहां शिरोमणि अकाली दल से दोबारा गठबंधन के लिए इनकार कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी के 169 एग्जीक्यूटिव मेंबर और 23 स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी नई जिम्मेदारी दी गई, उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश बीजेपी ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया। एक तरफ जहां शिरोमणि अकाली दल से दोबारा गठबंधन के लिए इनकार कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी के 169 एग्जीक्यूटिव मेंबर और 23 स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी नई जिम्मेदारी दी गई, उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया।